All right, we are live everyone. A very good afternoon and warm welcome to Infinity Learn NEET by Shri Chaitanya. Yes, are we live? हाँ, we are live. तो भाई बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारी सुपर अमेजिंग सीरीज़ में, जिसमें हम 12th का मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमने शुरू कर दिया था और हम ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ चुके हैं। और आज बारी है एक बहुत ही ऐसे टॉपिक की जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अगर ह्यूमन का जीनोम हमने सीक्वेंस नहीं किया होता तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे हम आज भी जूझ रहे होते, जिससे आज भी हमारी एक कॉन्स्टेंट फाइट चल रही होती। तो ये बहुत ही रिमार्केबल एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था आप सबकी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत यूज़ है, इसलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्टिंग निकाली गई, कितना महंगा प्रोजेक्ट है, इतनी मैन पावर लगेगी, इसकी इन्फॉर्मेशन को हम कहाँ स्टोर करें, जो सीक्वेंस है वो इतनी लंबी सीक्वेंस निकल के आएगी उसको हम स्टोर कहाँ पे कर ले। तो ये सारी चीजें क्या फाइंडिंग्स थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल इन टुडेज सेशन। एवरीवन गुड आफ्टरनून। तो वी हैव सार्थक, वी हैव प्रियंका पटेल। बच्चों फटाफट से फर्स्ट थिंग फर्स्ट इस सेशन को लाइक कर लो, जो भी स्टूडेंट्स आए हैं क्लास में इस बहुत अमेजिंग से सेशन को आप शेयर भी कर लो अपने सारे ग्रुप्स में। जो भी क्लास आप लगाते हो मैम की, यू हैव टू मेक श्योर ऑन डेली बेसिस आप उसको स्टेटस पे लगा रहे हो, अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने टेलीग्राम पे, हर कहीं अपना व्हाट्सएप, हर कहीं अपना स्टेटस आप लगा के घूम रहे हो। और आप ही के जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का भला हो रहा है इतनी अच्छी सी क्लास करके, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों मैं आपको एक चीज और बता दूं, हेलो खुशवाहा, हेलो हाउ आर यू, हेलो मेघा भारती, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, हाउ आर यू। एक चीज मैं आप बच्चों को बता दूं, एमबीआई व्हिच इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर एंटायर 12th। जेनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका एमबीआई हो जाता है बच्चों। ट्रस्ट में 7 से 8 सवाल एक चैप्टर से आ रहे हैं, तो एक चैप्टर जो कि पूरा एनालिसिस बेस्ड है, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो उस चैप्टर को तो हमें बहुत डिटेल में समझ लेना चाहिए, एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। बिकॉज इस चैप्टर में मजे की बात यह है एनसीईआरटी बेस्ड भी आपका आएगा। यस, तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड हमें अच्छे से पता होना चाहिए। यस एवरीवन गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हाँ जी, यस। तो भाई क्लास की सिंपल से रिक्वायरमेंट ये है, क्लास के लास्ट में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगी और क्लास की बहुत ही सिंपल से रिक्वायरमेंट है आप अपनी एनसीईआरटी विच इज योर बाइबल फॉर नीट एग्जामिनेशन उसको अपने साथ में लेकर के बैठेंगे। आई एम श्योर अब आपका वो नीट 2023 वाला फीवर भी उतर गया होगा, एक दो दिन के लिए थोड़ा परेशानी भी हो रही होती, थोड़ा बुरा भी लग रहा होता, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होती चली जाती है चीज़ें। बिकॉज इट्स लाइफ विच विल कीप ऑन गोइंग, जो चलती रहेगी चलती रहेगी, डिस्पाइट ऑफ द मैटर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पास हुए फेल हुए, जिंदगी में हमें आगे बढ़ते रहना है। कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हुए हमें आगे चलते रहना है। यस सार्थक, राधा का संगम, वाह जी वाह, मतलब सारी क्रिएटिविटी नाम में ही निकाल दो, तुम सारी क्रिएटिविटी निकाल दी। राधा का संगम हो रहा है जी, क्या नाम रखा है बेटा। हाँ, अपना नाम सिंपल सा नहीं रख सकते हो। अच्छा मैं आप बच्चों को एक चीज कहती हूँ, अब आप शुरुआत कर रहे हो, मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो बच्चे अभी से ही क्लास लगाना शुरू कर चुके हैं, दीज वंस आर द मोस्ट सीरियस कैंडिडेट ऑफ नीट 2024। 2023 में जो हुआ वो हुआ, उसको तो साइड में रख दो, अब 2024 के बारे में हमें सोचना है। तो 2024 में हमें एक दिन भी डिले नहीं करना है, हमें अभी से शुरुआत कर देनी है। हो गया मलाल यार, एक दिन मलाल होता है, 2 दिन मलाल होता है, उसके बाद हम सोचते हैं कि अब हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है। अब आगे बढ़ने के लिए आपको पूरा साल मेहनत करनी है। बच्चों 21 लाख बच्चे बैठे थे इस बार, मैं बार बार रिमाइंडर डालती हूँ, 21 लाख बच्चे बैठे थे। कंपटीशन इतना हाई हो चुका है, कट ऑफ बहुत हाई जा चुकी है, तो अगर आप अपनी एक सीट को इंश्योर करना चाहते हो तो आपको कमर कस के बैठना पड़ेगा, आपको अपना 100% देना पड़ेगा, एक दिन 2 दिन नहीं, पूरे साल तक डेली बेसिस पे अपने आप को रिमाइंडर डालना पड़ेगा कि जी हाँ मुझे अपनी एक सीट निकालनी है। आई एम द वन हु इज गोइंग टू बिकम डॉक्टर नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर। अगला साल ये मेरा साल है, नीट 2024 में मैं फोड़ के आ जाऊंगा। तो अगर कुछ ऐसे नाम ही रखने हैं अतरंगी से तो अपने नाम के आगे डॉक्टर वर्ड लगा लो, ताकि जब जितना आप देखोगे डॉक्टर मेघा भारती, डॉक्टर अरमान, डॉक्टर सार्थक, उतना ही आपके ब्रेन में ना मैनिफेस्टेशन होता रहेगा कि यार इस बच्चे को तो डॉक्टर बनना है। और जितना आप डॉक्टर डॉक्टर अपने आप को पुकारेंगे एंड यू नेवर नो आप कितना जल्दी डॉक्टर भी बन जाएंगे। यस, अच्छा ये आपकी फेवरेट मूवी है तो आपने अपने फेवरेट प्रोफेशन के बारे में आप नाम लिख लो, तो उसमें ज्यादा मजा आएगा। नीट एग्जाम के नेक्स्ट डे से ही पढ़ने बैठ गई थी, हाँ ये हुई ना बात, नेक्स्ट डे से ही पढ़ने बैठ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो एक चीज जो क्लास के शुरुआत में आपको करनी है डेली बेसिस पे, मेरी क्लास में आते के साथ अपनी आत्मा से पूछो, अपने दिल से आवाज निकालते हुए हैशटैग नीट 2024 अब मेरा है, एक सीट मेरी पक्की है, ये आप मुझको चैट बॉक्स में लिख दो। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे अपने आज के टॉपिक की, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का पढ़ाऊंगी आपको, एनसीईआरटी से ही पेपर भी आपका आएगा तो एनसीईआरटी के हर एक शब्दावली को समझ लो, बिकॉज एनसीईआरटी से पेपर आता है फिर इतने सारे बच्चे क्रैक नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम एनसीईआरटी के उन शब्दों को डिकोड नहीं कर पाते हैं। तो आज एक एक शब्द को मैं डिकोड कराऊंगी बच्चों आपकी इसी क्लास में अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एंड इनफैक्ट पूरा का पूरा बायोलॉजी आपको कंप्लीट कराया जाएगा विद योर एनसीईआरटी। हाँ, यस डॉक्टर सार्थक, डॉक्टर मेघा भारती। तो हैशटैग नीट 2024 एक सीट मेरी है, कम ऑन एवरीवन इन द चैट बॉक्स, हैशटैग नीट 2024 इन द चैट बॉक्स एवरीवन। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे, और जब आप हैशटैग लिख रहे हो ना, जब आप लिख रहे है उस टाइम पे एकदम आत्मा से आवाज आनी चाहिए, दिल से भी नहीं, अंदर आत्मा, सेल्स की आत्मा में घुस जाओ और वहां से फील करके लिखना है, एक सीट मेरी है, हैशटैग नीट 2024। सुपर एवरीवन, एनसीईआरटी है सबके पास में, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के साथ में अपनी पेन पेंसिल लेकर के बैठो, पेन एंड पेंसिल लेकर के बैठो। शुरुआत करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्या होता है जी? देखो थोड़ा बहुत अगर वेग आइडिया है मेरे बच्चों को फोड़ देंगे, बिल्कुल ये हुई ना बात, थोड़ा बहुत अगर वेग आइडिया है तो मैं क्लियर आइडिया तुमको देती हूँ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हमारे अंदर जो डीएनए है, हम अपने डीएनए की बात करते हैं, हमारे अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसकी सीक्वेंसिंग का स्टेप उठाया गया, उसकी सीक्वेंसिंग के स्टेप में क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की पूरी सीक्वेंसिंग करी गई है ना। तो आपका जो डीएनए है उसमें हम देखते हैं 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ATGC, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है आपके पूरी बॉडी में? हमारे पास इतना सारा डीएनए है, 2.2 मीटर्स ऑफ डीएनए प्रेजेंट है, हमने डीएनए पैकेजिंग में पढ़ा है। जय श्री राम, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू वेरी मच। एंड श्री लक्ष्मी, हेलो बेटा, हाउ आर यू? विनय प्रताप इंजीनियर, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने किया क्या बच्चे, जो हमारा डीएनए है विच इज योर 2.2 मीटर्स, उसकी पैकेजिंग हम कर रहे थे, मैंने आपको बताया था उस टाइम पे। तो मेरे बच्चे डीएनए की सीक्वेंसिंग करना, व्हाट डू आई मीन बाय सीक्वेंसिंग? डीएनए में आपका एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। यस और नो एवरीवन, यस और नो? यही 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलके हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है? कहाँ पे एडेनिन है, कहाँ पे थायमीन है, कहाँ पे ग्वानिन है, कहाँ साइटोसिन है, ये पूरी सीक्वेंस निकाल लेना कहलाता है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बेसिकली हमने पूरे के पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग कर ली थी। अब आप कहेंगे मैम इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ गई, हमें क्यों सीक्वेंसिंग की रिक्वायरमेंट पड़ी? और सीक्वेंसिंग जो है बहुत ही अगर मैं कॉस्ट वाइज बोलूँ तो बहुत महंगा प्रोजेक्ट है नंबर 1, अगर मैं मैन पावर वाइज बोलूँ तो भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ा हमको, अगर मैं ये बात करूँ इसका डाटा कहाँ स्टोर करना है तो भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ा। तो हर एक चीज में ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव चीज थी, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे पड़ी? आप मुझे एक बात समझाओ, मान लो कोई एक पर्टिकुलर डिजीज है जो कि जेनेटिक डिजीज है, साल दर साल, जनरेशन बाय जनरेशन, पेरेंट से प्रोजेनी में पास होता जा रहा है। दादाजी को था, पिताश्री को हुआ, आपको हुआ, आपसे आपके बच्चों में ट्रांसफर हुआ। तो हर एक जनरेशन में जो डिजीज है वो पास ऑन हो रहा है। द रीजन बीइंग द डिजीज इज योर जेनेटिक। अब आप कुछ कर नहीं सकते हो, कोई आपके पास चारा नहीं है उस डिजीज को खत्म करने का। अपनी पुश्तैनी जायदाद होती है, ये इंसान पुश्तैनी डिजीज लेके घूमने लग रहा है। अब क्या किया जाए? अब उस डिजीज की वजह है एक पर्टिकुलर जीन। अगर मुझे पता है कि पूरे जीनोम में कहां पे वो जीन लाई करता है, तो आई वुड बी एबल टू कट दैट जीन, आई विल बी एबल टू रिप्लेस दैट जीन विद अ हेल्दी वन, ताकि नेक्स्ट जनरेशन में वो डिजीज पास ऑन ना हो। एम आई क्लियर? Am I clear? जब भी हम बात करते हैं किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की बच्चों, तो आपका जेनेटिक डिजीज जो है वो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होता रहता है। अब उसका कोई चारा नहीं, आप उसको सुधार नहीं सकते हो। नाउ व्हाट विल हैपन, जिस पर्सन को डिजीज है, अगर मैं उस पर्टिकुलर जीन को जिसकी वजह से डिजीज हुआ है उसको कट करके उसको हेल्दी जीन से रिप्लेस कर दूं, तो वहीं पे ही ये जो आगे जाने वाला प्रोसेस है वो रुक जाएगा। और अगर वहीं पे ही प्रोसेस रुक गया, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपने अपने आगे की पूरी जनरेशन को सुधार दिया है जी। आगे अब ये पुश्तैनी डिजीज आगे पास ऑन नहीं होगा। तो कुछ ऐसे ही डिजीज को ट्रीट करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लॉन्च करा गया। ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग करी गई। एम आई क्लियर कि क्या इसका सिग्निफिकेंस था? एम आई क्लियर everyone? Yes or no in the chat box? Yes, yes. In the chat box, everyone. हाँ, ये तो बायोटेक्नोलॉजी आ रही है। मेघा भारती, देखो एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ, जो आप बच्चों ने टैगिंग कर दिया कि ये बायोलॉजी है भैया, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री, एक्चुअल में सब कुछ साइंस है। एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी भी साइंस है, बायोकेमिस्ट्री भी साइंस है, सब कुछ आपका साइंस होता है। तो हमें इसको एज ए साइंस पढ़ना चाहिए, थोड़ा क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ा करके पढ़ना चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या चीज सामने आई होगी। तो बच्चों अगर फंडा क्लियर है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या थी, तो समझते हैं किसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, कितनी कॉस्टिंग इसकी आई और क्या फाइंडिंग्स हमने करी, और इनिशियली हमने क्या सोचा था कि ह्यूमन जीनोम में कितने जीन्स होंगे, क्या आपके न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। इनिशियल जो हमने सोचा था क्या एक्चुअल में वैसा ही निकला या कुछ डिफरेंसेस थे उसके अंदर? लेट्स फाइंड आउट एवरीवन। तो अगर हम बात करें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, यू हैव लर्न्ड दैट इज द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए दैट डिटरमाइन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिज्म। किसी भी गिवन ऑर्गेनिज्म में जो बेसिस प्रेजेंट है, अगर मैं उसकी सीक्वेंस निकाल दूं, अगर मान लीजिए मैंने ये पता लगा दिया कि भैया पहले जी सी टी ए सी टी ए जी सी जी, ये सीक्वेंस है मेरे पर्टिकुलर सेगमेंट की। अगर मैंने ये पता लगा दिया कि मेरे पर्टिकुलर सेगमेंट की जो डीएनए सेगमेंट मेरे पास प्रेजेंट है उसमें ये सीक्वेंस प्रेजेंट है, उसको मैंने कहा सीक्वेंस निकाल देना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपने डिटरमाइन कर दी। इन अदर वर्ड्स, जेनेटिक मेकअप of an organism or an individual lies in the DNA sequence. उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो DNA sequence में ही होता है। अब आप सोचिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ। इकबाल जी, हेलो हेलो इकबाल जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मैं आपको समझाती हूँ, आप जैसे दिख रहे हो बाहर से और जैसे आपका अंदर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ईच एंड एवरीथिंग इज रेसिप्रिकेशन ऑफ क्या डीएनए आप कैरी कर रहे हो। आप देखना जय श्री राम और इकबाल की आईज का जो कलर है कुछ डिफरेंट मिलेगा, आईज की जो शेप है वो भी कुछ डिफरेंट मिलेगी, फेस का कलर भी डिफरेंट मिलेगा, फेस की शेप भी डिफरेंट मिलेगी, बालों का कलर भी डिफरेंट मिलेगा, बालों का टेक्सचर भी डिफरेंट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, आई का कलर है आपका, या कोई शेप आपके फेस की, हेयर का कलर है, हेयर का जो टेक्स्चर है, या आपकी हाइट है, ये सारी चीज़ें जेनेटिकली ड्रिवन होती है। तो आपका, हम कहते हैं ना जेनेटिक्स ही इसका ऐसा है। तो जैसा आपके अंदर डीएनए प्रेजेंट है उसी के रेसिप्रिकेशन में आपकी फिजिकल अपीयरेंस हो जाती है। आप कहीं ना कहीं अपने माता और पिता से रिजेम्बलेंस खाते हो, क्योंकि आपकी जो डीएनए है उसका हाफ ऑफ योर डीएनए इज फ्रॉम योर मदर एंड रेस्ट हाफ इज फ्रॉम योर फादर। तो दोनों से आप कहीं ना कहीं मेल खा रहे होते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, तो जो आपका जेनेटिक मेकअप है बच्चे, इन अदर वर्ड्स एनसीईआरटी लिखती है, genetic makeup of an organism or an individual lies in the DNA sequence. उस DNA sequence की वजह से ही आपका जेनेटिक मेकअप आ रहा है, उसकी वजह से ही आपके जो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स है, इनफैक्ट जो सिबलिंग्स होते हैं तो उन दोनों में भी आप देखना कितना डिफरेंस होता है, देखने में डिफरेंस होगा, हरकतों में डिफरेंस होगा, हरकतों में डिफरेंस तो चलो एक्वायर्ड डिफरेंस भी हो सकता है, बट मेजरली जो आपका फिजिकल अपीयरेंस है दैट विल बी ड्रिवन बाय योर डीएनए सीक्वेंस, आपके डीएनए सीक्वेंस से ही वो ड्राइव करेगा। इफ टू इंडिविजुअल्स डिफर, अगर दो इंडिविजुअल डिफर दिख रहे हैं आपको, देन their DNA sequence should also be different at least at some places। अब देखो, अगर मैं बात करूं, आप दो सिबलिंग्स हो, आप भाई बहन हो, सार्थक तुम्हारी कोई भाई या बहन है साथ में, तो तुम दोनों में रिजेम्बलेंस देखना, और सार्थक एंड वी हैव खुशवाहा, सार्थक एंड खुशवाहा, तुम दोनों आपस में अपनी रिजेम्बलेंस देखना, किससे ज्यादा रिजेम्बलेंस देखने को मिलेगी? सार्थक बताना जरा, तुम्हारी खुद के सिस्टर से, चलो अगर नहीं भी सिस्टर है तो इमेजिनरी बना लो फिलहाल, तुम्हारे खुद के सिस्टर से तुम्हें अपनी रिजेम्बलेंस ज्यादा देखने को मिलेगी या खुशवाहा से तुम्हारी रिजेम्बलेंस ज्यादा होगी? बता दो मेरे को, किससे ज्यादा होगी बताओ? बट नेचुरल तुम्हारी अपने सिस्टर से, बट नेचुरल अपने सिस्टर से। तो आप मेरी बात समझो बच्चों, अगर आपके सिस्टर के जैसी आपकी रिजेम्बलेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों का जो डीएनए है उसमें डिफरेंसेस कम है, और खुशवाहा रिजेम्बलेंस बहुत ही कम है, क्योंकि आपके डीएनए में जो रिजेम्बलेंस है वो बहुत ही कम है और डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, डिफरेंसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? शेख माई पुराना बच्चा, आई स्कोर 650 बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच बेटा, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू। काउंसलिंग लगाना ज़रूर, मॉप अप राउंड तक वेट करना, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो ज़रूर रजिस्टर करना, अपना स्टेट के लिए भी, ऑल इंडिया के लिए भी, एंड इंशाल्लाह तुम्हारे को कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, तो साथ से, हाँ, मेघा भारती से नहीं होगी रिजेम्बलेंस, रीजन बीइंग कि आप दोनों के डीएनए में डिफरेंसेस ज्यादा है और सिमिलैरिटीज कम है, वेयरएज आपकी खुद की जो क्लैन है, मतलब आपका, अगर मैं बात करूं पुश्तैनी की, आपके फोरफादर्स की, तो अगर मैच खाता है तो समहाउ सेम डीएनए पास ऑन हो रहा है, बट जितना डिस्टेंट बात करोगे आप उतना ही डिफरेंसेस आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो वही आपकी एनसीईआरटी लिख रही है कि डीएनए सीक्वेंस शुड ऑल्सो बी डिफरेंट एटलीस्ट एट सम प्लेसेस, पे वो डिफरेंट रहेगा जिसकी वजह से वेरिएशंस आ रही है। मेगा बिल्कुल करेक्ट, जिसकी वजह से आप दोनों अलग अलग दिख रहे हो, जिसकी वजह से आपका फिजिकल अपीयरेंस कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली अलग है आपके फ्रेंड से। नाउ These assumptions led to the quest of finding out the complete DNA। अब इस टाइप की चीजें जब सुनने की आई साइंटिस्ट को, तो उनको लगा कि यार क्यों ना हम पूरा डीएनए को ही फाइंड आउट करें, क्यों ना हम देखें कि ह्यूमन जीनोम में कितना डीएनए है, किस प्रकार का डीएनए है, जंक डीएनए है कि नहीं है, क्या सारा का सारा डीएनए में ATGC प्रेजेंट है, और क्या डिफरेंसेस है। लेट्स अंडरस्टैंड एवरीवन। सो विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स Where it was possible to isolate, जब हमें समझ में आया कि हम आइसोलेट कर सकते हैं डीएनए को, क्लोनिंग कर सकते हैं एनी पीस ऑफ डीएनए को, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सिंपल एंड फास्ट टेक्निक जब आना शुरू हो गई डीएनए सीक्वेंस में, तब हमने फाइनली ए वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, एम्बिशंस बहुत हाई थे, नहीं समझ आ रहा था इतना बड़े डीएनए को कैसे सीक्वेंस करेंगे, तो जब एम्बिशंस हाई होते हैं तभी आप कुछ अचीव भी करते हो। तो इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ सीक्वेंसिंग एंटायर ह्यूमन जीनोम वाज लॉन्च्ड। कब लॉन्च करा गया बच्चे? 1990 में। आप तो पैदा भी नहीं हुए थे। 1990 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया। साइंटिस्ट को लगा कि यार अब हम डीएनए को आइसोलेट कर पा रहे हैं, हम क्लोन बना पा रहे हैं, तो हम सीक्वेंसिंग को फोड़ देंगे। ये सोचते हुए, ये मंशा रखते हुए फाइनली 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया। जी हाँ, अगर मैम ने बोला है, ऐसे अंडरलाइन किया है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे MCQ अलर्ट लिख लीजिए। एनसीईआरटी की वो लाइन जहां से सवाल आया है या आ सकता है, उस पे मैम एमसीक्यू अलर्ट लिख देगी, एंड यू आल्सो हैव टू मेक श्योर कि आप उस पे एमसीक्यू अलर्ट लिख दे। एम आई क्लियर एवरीवन? ये पहले पैराग्राफ में कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझझसे पूछो, और अगर डाउट नहीं है बच्चों तो सेशन को शेयर करो। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे बच्चे आके पढ़ाई कर रहे हैं साथ में बैठ के, एक सिनर्जी है, एक अच्छा माहौल है, अच्छे सवाल आप पूछ रहे हो, बाकी बच्चों के क्वेश्चन से आपकी क्वेरीज भी रिजॉल्व हो रही है। तो सेशन को शेयर करते चलो, अपने चलो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हर कहीं अपना स्टेटस जरूर 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 लगाना है, ठीक है। हाँ, साइंटिस्ट में इतनी क्यूरियोसिटी थी ये तो समझ देखो साइंटिस्ट बेटा एक बात मैं बताती हूँ, पूरे वर्ल्ड को ड्राइव करने वाले कुछ ही लोग होते हैं, है ना। हम हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइज अगर मैं बात करूँ तो कितना करोड़्स में है, लेकिन बहुत ही चंद लोग ड्राइव कर रहे होते हैं जो उतने इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो उस लेवल पे सोच पाते हैं, वही पूरे वर्ल्ड को ड्राइव कर रहे होते हैं, है ना। यस अनामिका अनामिका या फॉर श्योर बेटा, थोड़ा सा बिजी चल रहा है आजकल, तो आपके लेक्चर पे भी ज़रूर 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 मैं बनाऊंगी। आपने जो मुझसे पूछा उस पर सेशन ज़रूर जल्दी आएगा, ठीक है। चलो सुपर, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। हाँ, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसको आप कॉमनली HGP बोलते हैं, इट वाज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि 2.2 मीटर्स ऑफ DNA को सीक्वेंस करना और परफेक्ट सीक्वेंस करना, कहाँ पे एडेनिन है, कहाँ पे थायमीन है, कहाँ ग्वानिन, कहाँ साइटोसिन, ये पता लगाना बहुत ही बड़ा टास्क था। तो इसको एज ए मेगा प्रोजेक्ट हमने समझा। यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड एंड द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट इफ वी सिंपली डिफाइन द एम ऑफ द प्रोजेक्ट एज फॉलो। क्या सोचा हमने, कितनी कॉस्टिंग स्टार्टिंग में हमें नजर आ रही थी, देखते हैं बच्चों। ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर, है ना, इतने बेस पेयर आपके प्रेजेंट है, हम पढ़ चुके हैं इस बात को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो हम पढ़ चुके हैं 3 × 10⁹ बेस पेयर। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग रिक्वायर लेट्स से $3 पर बेस पेयर की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो टोटल DNA तुम्हारा 3 × 10⁹ बेस पेयर है। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर हम निकाले तो अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन। 9 बिलियन, मैं कब की बात कर रही हूँ, 1990 की बात कर रही हूँ, 1990 की मैं बात कर रही हूँ बच्चों। उस टाइम पे हमको $9 बिलियन की रिक्वायरमेंट थी इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। इट वाज सच एन एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, इतना महंगा प्रोजेक्ट पड़ रहा था ये सरकार को, इसीलिए गवर्नमेंट के साथ में कुछ प्राइवेट एंटिटीज ने भी हिस्सा लिया एंड तब जाके फाइनली ये कंप्लीट हो पाया बहुत सालों के बाद में। आगे बढ़ जाते हैं, कॉस्टिंग हाई है, देख लिया, एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। Further, if the obtained sequence were to be stored, मान लो हमने सीक्वेंस निकाल भी ली और हम उसको स्टोर करना चाहते हैं, टाइप्ड फॉर्म इन द बुक्स एंड इफ ईच पेज ऑफ द बुक कंटेन्ड 1000 लेटर्स, मान लो हर एक पेज में 1000 लेटर डाल दिए एंड ईच बुक में 1000 पेजेस डाल दिए, तो भी हमें 3300 बुक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप सोचो 3300, इतनी सारी किताबों में जा करके तुम्हारा DNA की सीक्वेंस को ऐड करा जाएगा, मतलब इतनी सीक्वेंस है कि 3300 बुक भर जाएंगी। आप सोचो मेंटली कितना डॉन्टिंग टास्क है ये, आप ये सोचो कितना मैन पावर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। आप ये सोचो अगर हमने किताबों में डाल भी दिया सीक्वेंस को तो उसको एनालाइज हम कैसे करेंगे, उसको हम कैसे प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी, एक्चुअल फंडा तो यही है कि हमारे को एप्लीकेशन निकालनी है इसकी, तो एप्लीकेशन में हम कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे अगर 3300 किताबें हमें पढ़नी पड़ रही है एक जीन को रिप्लेस करने के लिए। इमेजिन करो, समझ में आएगा आपको, इमेजिन करो समझ में आएगा। 3300 किताबें प्लस कॉस्टिंग भी तुम देख लो $9 बिलियन, इतना एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है ये, कितना एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, समझ आ रही है मेरी बात। हाँ, तो इतनी किताबों की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड, ऑल्सो द यूज ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये तो हम समझ गए कि यार 3300 किताबों से काम नहीं चलेगा। थैंक यू वेरी मच बेटा मेघा, ये तो हमें समझ में आ गया यार 3300 किताबों में अगर हम डालेंगे भी इतना सारा डाटा तो कोई फायदा नहीं है उसका। फायदा क्यों नहीं है, क्योंकि जब रिक्वायरमेंट उसकी पड़ेगी तो क्या हम किताब पढ़ने बैठेंगे? अगर मुझे चाहिए कि कोई सीक्वेंस को मुझे चेंज करना है तो क्या मैं किताब पढ़ने बैठूंगी? तो ये प्रैक्टिकलिटी के वाइज ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए कंप्यूटर्स की हेल्प ली गई। उस टाइम नए नए कंप्यूटर्स आने शुरू हुए थे, तो लोगों के पास क्लैरिटी नहीं थी, साइंटिस्ट को नहीं लगा था कि कंप्यूटर्स वुड बी एबल टू स्टोर सच एन ह्यूज इंफॉर्मेशन। बट ठीक है, एक चांस लेते हैं, किताबों में करेंगे तो हमारा जो एक्चुअल मंशा है, जो हमारा सोचने का तरीका है कि हम इसको क्या करना चाहते हैं, वो ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए चांस लिया गया और कुछ कंप्यूटर्स को डिवाइस किया गया फॉर डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल एंड एनालिसिस, बिकॉज आप स्टोर तो कर दोगे, उसको टाइम टू टाइम रिट्रीव करना, टाइम टू टाइम निकालना, एनालाइज करना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। खाली किताबों में लिख करके बंद करने से तो कुछ होने वाला है नहीं, है ना, क्या फायदा उस चीज का। हमारा मेन फंडा तो ये है कि हम अपने सारे डिजीज को ट्रीट कर पाए। हमारा मेन उसके पीछे मैं कहूंगी जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था वो तो ये था कि हम टाइम टू टाइम उसको यूज कर पाए। अब आज के टाइम पे हर एक टाइप ऑफ कैंसर का इलाज है। आज के टाइम पे यू नेम एनी प्रॉब्लम एंड यू हैव द सॉल्यूशन, एक्सेप्ट कोविड का भी हमने निकाल लिया फाइनली, बट यस, कोई भी आपकी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम निकाल पा रहे हैं बिकॉज वी हैव सीक्वेंस इन हैंडी सीक्वेंस है हमारी। अदरवाइज तो हम नहीं निकाल पाते कभी भी। अगर हमें सीक्वेंस ही नहीं पता चलेगी तो क्या टारगेट करना है हमें नहीं समझ आएगा। एक्सक्यूज मी बच्चों, ठीक है, क्या टारगेट था हमें नहीं समझ में आएगा। तो बच्चों बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प ली गई। एचजीपी वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू एरिया इन द बायोलॉजी। उस टाइम पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स नया चल रहा था, उसकी हेल्प ली गई। अभी बता रही हूँ बेटा ऑब्जेक्टिव क्या था। अगर हम बात करें क्या ऑब्जेक्टिव्स सेट करे गए, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन थी इस प्रोजेक्ट से, क्या गोल्स थे एचजीपी के, तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स अभी मैं आपको बताने जा रही हूं। तब तक साइंटिस्ट ये समझ गए थे कि यार नियरली 20 से 25 हजार जीन्स हमारे ह्यूमन डीएनए में प्रेजेंट है। अब सारा खेल इस 20 से 25 हजार जीन्स का ही है। आपकी हाइट कितनी है, आप देखने में कैसे हो, आपको कोई डिजीज है कि नहीं है। अगर आपको मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर विच इज वेरी कॉमन इन फीमेल, अगर वो हो जाता है तो मुझे कहाँ पे थेरेपी देने की रिक्वायरमेंट है, किस जीन को रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट है, कीमोथेरेपी कितना चलनी चाहिए आपकी। ईच एंड एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय दीज स्टडीज विच हैज बीन डन। तो बच्चों 20 से 25 हजार जीन्स जो आपके ह्यूमन डीएनए में प्रेजेंट है, पहला गोल ये सेट करा गया कि यार सबको आइडेंटिफाई करते हैं, सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करो, सारे जीन्स की सीक्वेंस निकाल लो, सारे जीन्स की सीक्वेंस हमें पता चलेगी, जीन का फंक्शन हमें पता है, जिस भी जीन के फंक्शन में ऑल्ट्रेशन हुआ वी वुड बी एबल टू कट दैट जीन, वी विल बी एबल टू रिप्लेस दैट जीन और उस पर्टिकुलर पर्सन को हम हेल्दी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मेडिकल साइंसेस में इसका यूज हो जाएगा अगर हम सारे जीन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो स्पेकुलेशन थी कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ 20 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए और वो सारे जीन्स को निकालना, उसके सीक्वेंस पता लगाना वाज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। फिर भी इतने एडवांसमेंट के बाद फीमेल ट्रीटमेंट नहीं लेती बेटा, फीमेल ट्रीटमेंट नहीं लेती, उसके पीछे तो साइकोलॉजिकल आंसर होगा, उसके बारे में डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट साइकोलॉजिकली इस चीज़ को ड्राइव करते हैं। आज के टाइम पर जितना मेडिकल साइंस में इम्प्रूवमेंट है, जितना एडवांसमेंट है, उतना तो कभी भी नहीं था, है ना। अब आगे और भी ज़्यादा हो जाएगा आप बच्चों के लिए। तो इट्स अ गुड टाइम, आप बहुत अच्छे समय पे आपका बर्थ हुआ है, बहुत अच्छे समय पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, दैट थिंग आई कैन इंश्योर, ठीक है। चलो सुपर, तो ये तो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकेंड ऑब्जेक्टिव बच्चों, फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेकअप ह्यूमन डीएनए। टोटल बेस पेयर जो आपके 3 × 10⁹ बेस पेयर है, वो सबका पता लगाना वाज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एचजीपी। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, जो जीन्स है आपके 20 से 25 हजार जीन्स है, वो सारी जीन्स को पता लगा के उसकी सीक्वेंस निकाल लेना वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज जितने भी नंबर ऑफ बेस पेयर विच इज योर 3 × 10⁹ बेस पेयर है, वो सबका एक प्रॉपर एग्जैक्ट सीक्वेंस निकाल लेना वाज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एचजीपी। नंबर 3, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन। भैया यही तो मेजर टास्क है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, उसको स्टोर कहाँ करें? तो वी शुड क्रिएट सर्टेन डेटाबेस जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर पाए. दैट वाज द थर्ड ऑब्जेक्टिव. नंबर 4, इंप्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस. भाई आप स्टोरेज तो कर लोगे, बट जब तक कि आप एनालाइज नहीं करोगे उस सीक्वेंस को, जब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि सर्वाइकल कैंसर के पीछे किस जीन का हाथ है, किस सेल ने कैंसरस हो गई है, तो एक्सक्यूज मी, जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा, जब तक आप इस डाटा को रिट्रीव नहीं कर पाओगे, एनालाइज नहीं कर पाओगे, तब तक कोई फायदा तो है नहीं इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का. ठीक है, तो नेक्स्ट इज इंप्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस. Fifth objective is transfer related technologies to other sectors such as industries. इसका यूज हम बाकी कहीं पे भी निकाल पाए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडस्ट्रीज में यूज की बात करूं बच्चों, तो इंसुलिन डेफिशिएंसी आजकल कितने सारे लोगों में हो गई है. नाउ अब ये इंसुलिन की कमी है, उसको हमें पूरा करना है. तो व्हाट वी कैन डू, हम ई कोलाई में इंसुलिन को ग्रो कराते हैं और उस इंसुलिन को इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, या हम किसी भी और ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई प्रोटीन फॉर एग्जांपल ग्रो करा रहे हैं. डायबिटीज़ का बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ना, तो उसको हम इंजेक्ट कर पा रहे हैं ह्यूमन बीइंग में, क्योंकि वी आर कैपेबल टू रिलेट. जो हमसे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर तो बट नेचुरल सेम सी ही चीजें होंगी, तो वहां से हम ग्रो करा के एंड वी आर फाइनली एबल टू ट्रांसफर दैट इनटू ह्यूमन बीइंग. तो ये सारी फाइंडिंग्स कब हो पाई, ये कब फिजिबल हो पाई? आफ्टर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. नेक्स्ट वन इज एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट. अब एथिकल इश्यू तो ये आ सकता है कि यार अगर हमने ह्यूमन बीइंग को इनिशियली ये माना गया कि अगर ह्यूमन बीइंग को हमने सीक्वेंसिंग कर ली तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि मशीन्स विल टेक ओवर, मशीन्स में हमारा पूरा डाटा है तो ह्यूमन बीइंग का जो पॉपुलेशन है वो तो इरेडिकेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मशीन्स ही टेक ओवर कर लेंगी, है ना. ये कुछ लीगल इश्यूज आ जाते हैं. एथिकल इश्यू में ये आता है कि यार अगर किसी को पता है पूरा ह्यूमन जीनोम के बारे में तो कोई भी बीमारी को स्प्रेड करना बड़ा ईजी हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये वाली सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से उसको कैसे ऑल्टर कर सकते हैं, किस केमिकल के थ्रू उसको निकाल के हम कोई भी डिजीज को बड़ा इजीली स्प्रेड कर सकते हैं ओवर पॉपुलेशन. तो ये कुछ एथिकल इश्यूज थे जो सामने आए, उसको भी हमें एड्रेस करना था ताकि जो सीक्वेंस आपकी वो इतना सिक्योरिटी से रखी जाए कि हर किसी का उससे ताल्लुकात ना हो पाए. मेघा, हाँ प्लीज बेटा डाउट पूछो, प्लीज डाउट पूछो, प्लीज डाउट पूछो. मैंने आपको बताया गोल्स ऑफ HGP. मेघा के अलावा बाकी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछ लो बेटा, प्लीज बच्चों कोई भी डाउट है तो डू आस्क मी इन द चैट बॉक्स राइट नाउ. डाउट नहीं तो सेशन को शेयर करना मत भूलिए. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का सिलसिला चलते रहना चाहिए. चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, सेशन को लाइक करो, इसको अपने स्टेटस पे लगा दो. ई कोलाई का DNA अलग होगा ह्यूमन से. हाँ बिल्कुल बेटा मेघा, ई कोलाई का DNA बहुत अलग है ह्यूमन बीइंग से, उसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन मैंने आपको समझाया था जो जेनेटिक कोडॉन है दैट इज यूनिवर्सल, वहां पे भी ATGC ही आपको दिख रहा है. वहां पे ATGC के अलावा कुछ UPSC नहीं हो गया है, वहां पे NEET नहीं हो गया है, वहां पे भी ATGC ही है. तो ATGC के बेसिस पे ही प्रोटीन बन रहा है. आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जो जेनेटिक कोडॉन है आपका दैट इज यूनिवर्सल, वो आपका यूनिवर्सल है, तो सेम सीक्वेंस कैरी हो रही है इनटू ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग ऑफ दिस अर्थ. DNA में ATGC, RNA में इंस्टेड ऑफ थायमिन वी आर हैविंग यूरेसिल, दैट इज द ओनली डिफरेंस, है ना. अब वो ATGC का जो सीक्वेंस है वो हमारे अंदर मान लो 2.2 मीटर है, बेचारी ई कोलाई में थोड़ा सा है, 100 मीटर से फॉर एग्जांपल, सॉरी 100 मीटर बोल रहे हैं, 100 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, है ना. तो वहां पे थोड़ा तुच्छ अमाउंट में है और हमारे पास बहुत मेजर अमाउंट में है, बट है तो ATGC का ही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहां कुछ अलग तो है नहीं. आई बात समझ मेगा? चलो सुपर। तो ये आपके गोल्स है एचजीपी के। आगे बढ़ जाते हैं आपकी एनसीईआरटी में आगे क्या लिखा हुआ है, कैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, क्या इसकी फाइंडिंग्स निकली, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। कीप शेयरिंग द सेशन एवरीवन, कीप शावरिंग योर लव, अपना प्यार बरसाते हुए चलो, सेशन को शेयर करते हुए चलो, लाइक करते हुए चलो और स्टेटस पे लगाते हुए चलेंगे सारे बच्चे। कम ऑन एवरीवन, आगे देख लेते हैं। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ 13 साल का प्रोजेक्ट था और किस किस में कोऑर्डिनेशन था? कोऑर्डिनेटेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, दोनों ने मिलके कोलैब किया। यस मैम, ऑल लिविंग बीइंग्स में है बट स्ट्रक्चर में, हाँ बेटा बिल्कुल सार्थक, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। क्रैक्स मैं आपको बताऊं सार्थक बेटा, तो ATGC आर द फाउंडेशन ऑफ एवरी लिविंग बींग, हर एक लिविंग बींग की, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो बीना मैम हो, चाहे वो सार्थक हो, चाहे वो मेघा भारती हो, हर किसी के अंदर ATGC ही सीक्वेंस प्रेजेंट है। अब ये बात अलग है सार्थक के अंदर जो सीक्वेंस है उसमें जंक DNA, उसमें रिपीटेटिव DNA डिफरेंट है देन बीना मैम। मेघा में जो DNA प्रेजेंट है उसका रिपीटेशन, उसका जंक DNA, उसका परम्यूटेशन थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम एलिफेंट और लेट्स से फ्रॉम बफलो। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रही थी तो मुझे रिसर्च में बहुत मेजर इंटरेस्ट था मेरा, तो मैंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, ये बात मैं बता रही हूँ आपको बैक देन 2008 की। तो 2008 में जब मैं अपना अंडरग्रेड कर रही थी तो उस टाइम पे मैंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। उस प्रोजेक्ट में मुझे सीक्वेंसिंग करनी थी एक बफलो के जीन की, TLR5 उस जीन का नाम था। तो भैंस का जीन विच इज TLR5 जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बफलो के लिए, तो इस जीन की सीक्वेंसिंग मुझे निकालनी थी। तो हमारे पास उस टाइम पे सीक्वेंसर आ चुके थे, ये बात तो हम 1991 की कर रहे हैं, है ना, 2006 तक सीक्वेंसर्स आ चुके थे जिसमें मुझे DNA को कट करके फ्रेगमेंट्स निकाल के और सीक्वेंसर में हम डालते थे और हमें पूरी सीक्वेंस कंप्यूटर पर मिल जाती थी। क्या होता है देखो, एक मशीन होती है आपके सामने जिसमें आपके ट्यूब्स रखी जाती है, तो आप कोई भी DNA जिसकी कि आपको सीक्वेंस निकालनी है उसको आप कट कराते हो फ्रेगमेंट्स को बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कट कराने के बाद आप उसके ट्यूब्स को रख देते हो सीक्वेंसर के अंदर, तो उसकी जो सीक्वेंस आपको उस कंप्यूटर पे दिखना शुरू हो जाती है। मतलब मैं बताना क्या चाह रही हूँ आपको, आई वॉज सो अमेज्ड, आई वॉज सो सरप्राइज टू सी कि जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है बफलो में और जो जीन हमारे अंदर है उसके अंदर 99% सिमिलैरिटी है। यस यू हर्ड मी राइट, 99% सिमिलैरिटी है बफलो के जीन में और हमारे जीन में। तो आप सोचो कि कहीं ना कहीं वी ऑल आर ड्रिवन फ्रॉम ATGC, यही हमारी जिंदगी का आधार है। ठीक है, ATGC इज योर एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। एम आई क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर? यस 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 और नो इन द चैट बॉक्स। यस, इंटरेस्टिंग लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, तो स्ट्रक्चर देखो कितना डिफरेंट है, कहाँ बफलो कहाँ ह्यूमन बीइंग, बट उस जीन की सीक्वेंस निकाली 99% सिमिलैरिटी। सो इट इज जस्ट 1% विच इज मेकिंग द डिफरेंस और उस 1% की वजह से हम सब इतने डिफरेंट दिख रहे हैं अर्थ के ऊपर। कोई हाथी है, कोई चींटी है, कोई बफलो है, कोई काऊ है। तो अगर हम बात करें बच्चे HGP की, तो मेजर ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर कोलैब हुआ दैट वॉज US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स, जो स्टार्टिंग के ईयर्स थे HGP के, द वेलकम ट्रस्ट UK बिकेम अ मेजर पार्टनर, इसने भी अपने कंट्रीब्यूशन दिया। एडिशनल कंट्रीब्यूशंस केम फ्रॉम जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और बाकी सबसे भी आया। मैंने कहा आपको इतना लंबा 13 साल का प्रोजेक्ट है, तो बाकी सब लोगों ने भी हेल्प करना शुरू कर दिया कि यार इतना मेजर प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो तो वी विल आल्सो हेल्प यू आउट। That's why काऊ हमारी माता है नहीं, DNA की वजह से काऊ हमारी माता नहीं है, that is हिंदुइज्म जिसकी वजह से काऊ हमारी माता है। ठीक है, हाँ चलो, तो अब बाकी सारी कंट्रीज ने भी कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003, 1990 से शुरुआत होके 2003 में जाकर के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। आप एक बात सोचो, 1990 से 2003 में कंप्लीट हुआ, लगभग आपके 13 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट लग गए। जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे उस इस प्रोजेक्ट में, इन्होंने अपने ज़िंदगी के 13 साल दे दिए। इसको कहते हैं सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए आप कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हो जाते हो, तो कुछ ऐसा ही प्रोफेशन आप बच्चे भी चूज कर रहे हो। मैं आपको पहले से ही इत्तला कर देती हूँ, मैं आपको समझा देती हूँ कि कुछ ऐसा ही प्रोफेशन आप बच्चों का भी है। डॉक्टर का काम भी यही है कि अपनी सारी पर्सनल चीज़ों को सेक्रीफाइस करके वो सोसाइटी के लिए ही जीता है, वो सबको ठीक करने में ही लगा रहता है ना। तो अगर आप इस लाइफ से रेजोनेट करते हो, अगर आपको समझ आता है कि हाँ यार मुझे भी सोसाइटी में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, देन यू विल डेफिनेटली बिकम द डॉक्टर। तो अपने अंदर के उस कारण को समझो कि मैं क्यों डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और अगर अंदर का वो कारण, वो रीज़न काफ़ी बड़ा होगा ना, तो ना कोई मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको, ना किसी को भी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना मम्मी बोलेगी पढ़ाई कर लो, ना पिताश्री कहेंगे टीवी बंद कर दो तुम्हें पढ़ना है ना, खुद ब खुद तुम्हारा पढ़ने का इतना मन करना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, 13 साल लग गए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल्स कैन लेड टू द रिवोल्यूशनरी न्यू वेज टू डायग्नोज। जो हमने निकाल लिया डीएनए का वेरिएशन, उससे नए तरीके निकाले गए ताकि आप किसी भी डिजीज को डायग्नोज कर पाए, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाए, एंड समडे प्रिवेंट द थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स। आप उसको ट्रीट करने के बाद में प्रिवेंशन भी कर पाए। तो मेजर ऑब्जेक्टिव तो हमारा यही था कि हम सीक्वेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो विल बी एबल टू डायग्नोज, विल बी एबल टू ट्रीट, एंड विल बी एबल टू प्रोवाइड, वी विल बी एबल टू प्रिवेंट दैट पर्टिकुलर डिजीज। अच्छा, कंक्लूजन लिखा है आपने, ठीक है, हाँ जी, विल बी एबल टू प्रिवेंट दैट पर्टिकुलर डिजीज। उसके आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी क्या लिखती है, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग क्लूज टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, लर्निंग अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स डीएनए सीक्वेंस कैन लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचुरल कैपेबिलिटीज दैट कैन बी अप्लाइड टुवर्ड सॉल्विंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल रेमिडिएशन। बाकी आप नॉन ह्यूमन का भी निकालते हम चले गए बाद में, जिससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते चले गए। ये आगे लिखा हुआ है कि यार हमने बाद में ड्रोसोफिला का भी फाइंड आउट करा, हमने ईस्ट का भी फाइंड आउट करा, नॉन ह्यूमन मॉडल पे भी काम करा गया, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया आपका, ड्रोसोफिला हो गया आपका, एंड प्लांट्स में भी हमने राइस वगैरह का फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया नंबर 1, ईस्ट नंबर 2, C. elegans नंबर 3, a free living non pathogenic nematode नंबर 4, Drosophila the fruit fly, plants में तुम्हारा rice and Arabidopsis that have also been sequenced। इसकी भी sequencing हमने बाद में निकाल ली। ठीक है, अब देखें method, जहाँ से आता है सवाल, मेथड पे आते हैं क्वेश्चंस। स्पेसिफिकली क्या पूछता है एग्जामिनर, ईएसटी क्या होता है, या यैक या बैक पे सवाल आता है आपका, बैक या यैक पे भी क्वेश्चन आता है। तो क्या है ईएसटी, क्या है बैक, क्या है यैक, जानने के लिए बस आपको 5 मिनट और मुझे देने हैं। और सेशन को बच्चों शेयर शेयर शेयर, कम ऑन एवरीवन, शेयर करो, इसको शेयर करो हर कहीं पे, सेशन को लाइक ज़रूर करो बच्चों, इसको शेयर करो। तुमको 100% बहुत बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, है ना, बकवास उतने नहीं मिलेगी, कंटेंट ज़्यादा अच्छा मिलेगा यहाँ पे। वी आर द वंस जो मार्केट में लीडर्स हैं, वी आर द वंस जो रैंक 1 होल्डर बच्चे को लेके बैठे हुए हैं, रैंकर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं साल दर साल। तो यहाँ पे आपको टॉप लेवल की एजुकेशन मिलेगी, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाले सारी क्लासेस के लिए आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मेथड्स को क्या यूज़ किया गया बच्चों, द मेथड्स इन्वॉल्व 2 मेजर अप्रोच। 1 अप्रोच, पहली अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। व्हाट इज ईएसटी, ईएसटी इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। What is EST? The full form is expressed sequence tag. Very important MCQ alert. What is EST? The genes that are expressed as RNA. इसीलिए इसको expressed sequence कहा, ऐसे जीन जो RNA में expression को show करते हैं उसको आपने EST expressed sequence tag बोल दिया। तो एक अप्रोच में तो हमने वो वाले सेगमेंट्स को निकाला जो आगे चल के RNA में कन्वर्ट होते हैं। The other The other took the blind approach of simply sequencing the whole set of genome. एक approach ने सिर्फ उसी DNA के part को sequence किया जो कि RNA में convert होगा, और दूसरी approach ने पूरे genome को sequence किया, containing all the coding part and the non-coding part. अच्छा, समझो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं ये बोल रही हूँ आपके DNA में coding part भी है, non-coding part भी है ना, इसीलिए तो हमने hnRNA को mRNA में कन्वर्ट किया। तो हमने दो अप्रोच लगाई। एक अप्रोच तो ये कहती है कि सिर्फ जो कोडिंग पार्ट है, मतलब सिर्फ वो डीएनए जो आरएनए में कन्वर्ट करेगा उसको सीक्वेंस करो। दूसरी अप्रोच कहती है नहीं भैया, पूरे जीनोम को सीक्वेंस करो। तो अगर हम सिर्फ उस डीएनए पे फोकस करते हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि अपने आप को एज ए आरएनए एक्सप्रेस कर रहा है, उसको हम ईएसटी कहते हैं। ईएसटी इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। वो डीएनए जो आरएनए बना रहा है, इन टर्न वो डीएनए जो आगे चल के प्रोटीन बनाएगा, उसको आप एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग कहते हैं। आई मेरी बात समझ तुमको? यस। और दूसरी अप्रोच में हमने पूरे सेट ऑफ जीनोम को सीक्वेंसिंग करी, that contained all the coding and non-coding sequences, and later assigning different regions in the sequence with function. फिर हमने बता दिया कि ये फंक्शन है इसका, सीक्वेंस एनोटेशन हमने बाद में उसका कर दिया, पहले पूरे जीनोम को फाइंड आउट करके। नाउ फॉर सीक्वेंसिंग हम करते कैसे हैं? द टोटल डीएनए फ्रॉम ए सेल का पूरा डीएनए को आइसोलेट करा जाता है। नंबर वन, पूरे डीएनए को आइसोलेट किया एंड कन्वर्ट किया इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स। कैसे कन्वर्ट होगा? अगर मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको डाइजेस्ट कराऊं तो रैंडम फ्रेगमेंट्स में कन्वर्जन हो जाएगा ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइजेस। Recall DNA is very long polymer and there are technical limitations in sequencing very long piece of DNA. उसके बाद and cloned in suitable host, किसी host में उसको cloning कर दी using specialized vectors. The cloning resulted into an amplification of each piece of DNA fragment so that it subsequently could be sequenced with ease. समझो मैं क्या बोल रही हूँ? अच्छा मेघा, पहले तो मैं बता देती हूँ, दो अप्रोच को यूज करा गया। जो आपका डीएनए है, पूरा डीएनए, मेरी बात सुनो बस। जो आपका डीएनए है, पूरा डीएनए, उसके अंदर कुछ कोडिंग पार्ट है, कुछ नॉन कोडिंग पार्ट है। मेजोरिटी ऑफ आर डीएनए इज नॉन कोडिंग, कुछ ही पार्ट है जो कोडिंग है। अब जो कोडिंग वाला पार्ट है, जो कोड करता है एक्चुअल में, वो आरएनए बनाता है ना। याद करो, एचएनआरएनए को हमने एमआरएनए में कन्वर्ट किया था, इंट्रॉन्स को रिमूव करके एक्सॉन्स को ज्वाइन किया था। कुछ याद आ रहा है? यस और नो? ज्वाइन किया था एक्सॉन्स को, याद आ रहा है? हाँ मैम, याद आ रहा है। तो एक अप्रोच तो कहते हैं कि यार सिर्फ जो कोडिंग वाला पार्ट है ना, जो प्रोटीन बनाएगा, सिर्फ उसको सीक्वेंस करो, बाकी सब चीज़ें भाड़ में जाए, उसको ही सीक्वेंस करो। दूसरी अप्रोच कहते हैं कि नहीं भाई, हमें पूरे जीनोम को सीक्वेंस करना चाहिए। पूरे जीनोम को सीक्वेंस करते हैं, उसके बाद में जो सीक्वेंस काम की है उसको रखते हैं, काम की नहीं है उसको हम हटा देते हैं। तो हम सीक्वेंस एनोटेशन कर देते हैं, डिफरेंट रीजन्स जो है उसको असाइन कर देते हैं, ये काम का है, ये काम का नहीं है। ये हमने किया अगर हम होल जीनोम सीक्वेंस को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, ये दो अप्रोच थी, सिर्फ कोडिंग, पूरा डीएनए किया, तो लास्ट में हमने सीक्वेंस एनोटेशन कर दिया, जो कोडिंग है नॉन कोडिंग है उसको सेपरेट कर दिया। और सिर्फ हमने कोडिंग वाले पार्ट को किया तो हमने बोला दिस इज योर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, कि जो आपका डीएनए है जो आरएनए में एक्सप्रेस करेगा उसी डीएनए को मैं काउंट में ले रही हूँ। ये मेरी बात आई समझ यहाँ तक? चलो अब आगे समझाती हूँ कि कैसे करा सीक्वेंस। पहला स्टेप हमेशा सीक्वेंसिंग का होता है, वी हैव टू आइसोलेट द डीएनए। डीएनए को आइसोलेट करना पड़ता है। मान लो जैसे मैंने बफलो के जीन की सीक्वेंसिंग करी, तो हम पहले उस डीएनए को आइसोलेट करते थे। डीएनए को अलग अलग से फ़र्क क्या पड़ रहा है बेटा? फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा है मेघा, ये अप्रोच आपने यूज़ करी। अब जैसे मान लो नीट का ही पेपर है, आपकी अप्रोच है कि आप बायो पहले अटैम्प्ट करो, किसी और की अप्रोच, और फिजिक्स पहले अटैम्प्ट करें, तो दो अप्रोच में डिफरेंस है। फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, पेपर तो नीट का ही है ना। तो हम देखना चाह रहे हैं कि यार फिजिक्स को पहले अटैम्प्ट करना यूज़फुल है या बायो को पहले अटैम्प्ट करना हमारे लिए यूज़फुल होगा, है ना। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं सेम डेस्टिनेशन पे पहुँचने के। आई बात समझ? हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सीक्वेंसिंग हम करते कैसे हैं, समझो। आपको किसी भी जीन की सीक्वेंसिंग करनी है या किसी डीएनए के फ्रेगमेंट की सीक्वेंसिंग करनी है, पहले तो आप उस डीएनए को आइसोलेट करते हो। आपने डीएनए को आइसोलेट किया, द फर्स्ट स्टेप विल बी आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। सेकंड स्टेप होगा जो आपका डीएनए है, अब आपने आइसोलेट कर लिया, वो बहुत बड़ा है साइज में, अब मैं उसको छोटे साइजेस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ बिकॉज फ्रेगमेंट्स के सीक्वेंस करना विल बी ईजी, बड़े बड़े साइज के फ्रेगमेंट को हम सीक्वेंस नहीं कर पाएंगे। तो सेकेंड टास्क मेरे सामने होता है कि मेरे को उस डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर द वंस जो स्पेसिफिक साइट पे डीएनए को कट कर देते हैं जाके। तो जाके डीएनए को कट किया गया स्पेसिफिक साइट्स को लेके, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में डीएनए को आइसोलेट किया, सेकंड में रैंडम फ्रेगमेंट्स को बना लिया, थर्ड में हमने क्या किया, जो रैंडम फ्रेगमेंट्स है उसको हमने क्लोन किया। अब क्लोनिंग के लिए हमें चाहिए क्लोनिंग वेक्टर। तो कॉमनली यूज्ड होस्ट वर बैक्टीरिया एंड यीस्ट। वेक्टर्स जो यूज करेंगे दीज वर बैक एंड यैक। बैक मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो वेक्टर को यूज किया गया वो क्या था। आप कहेंगे जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दो टाइप के वेक्टर्स को यूज किया गया मैम, वन वॉज YAC यैक दैट इज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, एंड सेकेंड इज BAC विच इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये दो आपके अलग अलग वेक्टर्स को यूज किया जाता है फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। आई मेरी बात समझ में? डीएनए को आइसोलेट करा, फ्रेगमेंट्स में तोड़ा, वेक्टर में डाला, वेक्टर कुड बी यैक एंड बैक। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ जाते हैं। द फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। मैंने कहा एक मशीन होती है जिसको आप डीएनए सीक्वेंसर कहते हैं, उसमें आप अपने फ्रेगमेंट्स को डालते हो और वो मशीन अटैच्ड होती है कंप्यूटर से। आपने फ्रेगमेंट्स को डाला और ऐसे कंप्यूटर्स पे आपको सीक्वेंस दिखना शुरू हो जाती है। ये एक बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है। एग्जैक्टली यही होती है कि आप मशीन के अंदर डाल देते हो अपने उन फ्रेगमेंट्स को और वो सारा ऐसे रीड करके बता रहा होता है और आप उसको स्टोर कर लेते हो साथ में। ऐसा गंदा सा कंप्यूटर, पुराने जमाने में जो कंप्यूटर होता था ना, जो पीछे से थोड़ा बड़ा होता था, वो वाला कंप्यूटर यूज होता है इसमें, ठीक है। तो डीएनए सीक्वेंसर दैट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए मेथड डेवलप्ड बाय सेंगर्स मेथड। अच्छा, दो मेथड पे डेवलप्ड सीक्वेंसर्स आते थे, एक मैक्सबल था, एक सेंगर था। सेंगर्स मेथड पे डेवलप्ड जो आपका सीक्वेंसर था वो ज्यादा फेमस हुआ, वो ज्यादा एक्यूरेट था, तो उसी को ही यूज किया जाता है। दोनों सीक्वेंसर बेसिकली अलग अलग प्रिंसिपल पे बेस होते हैं। अभी भी तो कंप्यूटर यूज होता है। हाँ बेटा, अभी भी कंप्यूटर यूज होता है। अच्छा यही नहीं, अब तो ऑब्वियसली एडवांस कंप्यूटर यूज होता होगा बेटा। अभी तो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें आ गई है ना। मैं 2006 की बात बता रही हूँ, उस टाइम पे भी ये कंप्यूटर यूज हो रहा था बिकॉज उस टाइम पे हमारे पास ये फ्लैट स्क्रीन और ये सब आना शुरू नहीं हुआ था। अब तो ऑब्वियसली यार, तुम लोग जेनजीज हो, अब तो वारे नहीं आ रहे हैं तुम्हारे, तो पता नहीं कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई है। चिप्स आ गई है, पूरी एक छोटे से चिप के अंदर पूरा ह्यूमन जीनोम को आप कैरी कर सकते हो, है ना। तो अब तो ऑब्वियसली बहुत ही एडवांसमेंट हो चुका है, ठीक है। तो मैंने कहा सेंगर्स मेथड पे यूज होने वाला सीक्वेंसर यूज किया गया था इस प्रोसेस में। सेंगर इज ऑल्सो, उनको भी क्रेडिट दिया गया कि भाई आपके मेथड की वजह से ही हम सीक्वेंस को फाइंड आउट कर पाए हैं। दीज सीक्वेंस वर देन अरेंज्ड बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग एरियाज प्रेजेंट इन दैम। अब सीक्वेंस के अंदर ना बच्चों कुछ ओवरलैपिंग एरियाज भी थे। अब ये सारा काम कंप्यूटर्स का है। कंप्यूटर्स उस सारे सीक्वेंस को अरेंज कर लेता है, जो भी ओवरलैपिंग एरियाज है उसको भी दिखा देते हैं, ठीक है। हाँ, उसको भी दिखा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तभी मैंने भी किया था बेटा। है ना, ये कंप्लीट हो गया था तब तक, कंप्लीट हो गया था मतलब तब तक और भी एडवांसमेंट हो चुकी थी। यार 1990 में शुरू हुआ तुम्हारा प्रोजेक्ट, शुरुआत में तुम्हारे पास उतने सिस्टम्स नहीं थे, धीरे धीरे कुछ अच्छे सिस्टम्स भी डेवलप होना शुरू हुए, धीरे धीरे आपको फंडिंग भी मिलना शुरू हुई जापान से, चाइना से, जर्मनी से, है ना। जब आप इनिशिएट करते हो ना, इनिशिएटर को हमेशा ज़्यादा फाइट मारनी पड़ती है, बाद में तो फॉलोअर्स ही होते हैं, तो इनिशिएटर थे ये कि हमें शुरुआत करनी है इस प्रोजेक्ट की। ठीक है बच्चे, चलो तो जो जहाँ पे ओवरलैपिंग सीक्वेंस थी उसको भी फाइंड आउट करा गया। दिस रिक्वायर्ड जनरेशंस ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग, अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंसेस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, देयरफॉर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम को डेवलप किया गया। मैंने कहा आप ऐसे खुद से नहीं कर सकते हो ओवरलैपिंग को, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझदारी और सूझबूझ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसमें, और इतनी समझदारी सूझबूझ किसी ह्यूमन बीइंग भी होती नहीं है, इसलिए हमें कंप्यूटर्स की हेल्प लेनी पड़ी। तो दीज सीक्वेंस वर सब्सिक्वेंटली एनोटेटेड एंड वर असाइंड टू ईच क्रोमोसोम। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीटेड ओनली इन मई 2006, नंबर 1 की सीक्वेंस। दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम है और उसके अलावा एक्स एंड वाई क्रोमोसोम हमारे पास होते हैं। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में बच्चों आपका क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंस करी गई, सबसे लास्ट में। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे हम एमसीक्यू अलर्ट लिख देते हैं, एमसीक्यू अलर्ट लिख देते हैं। 2006 में तो अच्छा, मैं 2005 में तो देखो जब आप हो गए थे तब तक हमने तो सीक्वेंसिंग कर डाली थी, हमने तो पूरी सीक्वेंसिंग कर डाली थी। आई मेरी बात समझ में? आई बात समझ? जब आप पैदा हुए तब तक हम सीक्वेंसिंग कर चुके थे, है ना। यस बच्चे, मैं आपको एक बोल रही हूँ कि लास्ट जो सीक्वेंस थी दैट वाज ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1, जिसको कि इन मई 2006 में कंप्लीट करा गया। ठीक है, लास्ट क्रोमोसोम आपका ये था। Another challenging task was assigning the genetic and physical maps on the genome. Genome पे genetic and physical maps को assign करना was the next challenging task. This was generated using information on polymorphism of restriction endonuclease. बाद में आपके restriction endonuclease का इजाद हो गया, DNA fingerprinting का इजाद हो गया, उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती चली गई। DNA fingerprinting पे पूरा लेक्चर है इसलिए यहाँ नहीं पढ़ाऊँगी, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी कि क्या माइक्रोसैटेलाइट्स होते हैं, क्या पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ऑलराइट, तो अब बारी आती है हमने क्या फाइंडिंग्स करी, क्या फीचर्स हो जाते हैं ह्यूमन जीनोम की। हमारी फाइंडिंग्स क्या थी, वो तो हमने गोल सेट करा, क्या हमारी स्पेकुलेशन के हिसाब से ही फाइंडिंग्स थी या कुछ अलग थी? मेघा बेटा मैंने ये बताया आपको कि क्रोमोसोम नंबर 1 की सबसे लास्ट में सीक्वेंसिंग हुई थी, उस स्लाइड पे यही काम की चीज थी एक। ठीक है, हाँ, तो क्या फीचर्स हो जाते हैं ह्यूमन जीनोम के, समझ लेते हैं। द नंबर 1, ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन बेस पेयर। एग्जैक्ट डाटा हमारे सामने निकल के आ गया, जो फाइंडिंग्स मैं आपको बता रही हूँ, आप सारे बच्चे मुझको चैट बॉक्स में लिखते हुए चलो। नंबर 1 फाइंडिंग वाज ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन बेस पेयर। नंबर 2 माई डियर किड्स, The average gene consists of 3000 bases. Average gene में लगभग 3000 bases होते हैं, but sizes vary greatly with the largest non-human gene being dystrophin. सबसे largest human gene है आपका dystrophin at 2.4 million bases. इसमें 2.4 million bases हैं. Average अगर आप देखें gene का तो मेरे बच्चे 23 ही है बेटा, 23 ही है। ठीक है, हाँ, एवरेज अगर आप निकाले तो जीन में आपके 3000 बेस पेयर के लमसम होता है, और सबसे बड़ा जो जीन है वो डिस्ट्रोफिन है, एट 2.4 मिलियन बेसेस उसमें प्रेजेंट है। नंबर 3, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड एट 30,000, मच लेस देन प्रीवियस एस्टिमेशन। पहले लगा कि 80,000 से 1,40,000 के लगभग जीन्स प्रेजेंट है, बट निकल के ये आया कि बेटा मेरे एक्स एंड वाई भी तो लिखा हुआ है, अरे कहाँ कंफ्यूजन हो रही है तुम लोगों को। एक्स एंड वाई, 22 तो ऑटोसोम्स हो गए, एक्स एंड एक्स हुए या एक्स एंड वाई हुआ, मेल में एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं छोटी सी बात में बच्चों। यस, आगे एक्स एंड वाई लिखा हुआ है कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप मेल की बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ, आई बात समझ, एक्स एंड वाई इज इन मेल, एक्स एंड एक्स इन फीमेल। मेघा, हम में एक्स एंड एक्स है, सार्थक में एक्स एंड वाई है, आगे बात समझ। चलो सुपर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, पहले ये स्पेकुलेट करा गया कि 80,000 से 1,40,000 के लगभग जीन्स होते हैं, बट एक्चुअल में इससे बहुत कम निकल के आए, विच इज 30,000। नाउ द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। जितने जीन हमने डिस्कवर करे उसके लगभग 50% का फंक्शन हमें नहीं पता। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। लेस देन 2% आपका प्रोटीन के लिए कोड करता है, बाकी आपका प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है, ठीक है। ये 5 फाइंडिंग। उसके आगे बढ़ जाते हैं 6th फाइंडिंग पे। रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम के अंदर मेजरली ऐसी सीक्वेंस है जो रिपीट हो रही है, तो रिपीटेड सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है ह्यूमन जीनोम में। नंबर 6 पॉइंट है। नंबर 7 पॉइंट ये है, रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। ये है क्या, आपका डीएनए सीक्वेंस के स्ट्रेच ही है, दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, जो बहुत बार रिपीट हो रहा है, समटाइम्स 100 to 1000 टाइम्स। और ये कितना रिपीटेशन है दैट विल मेक द डिफरेंस कि आप, आपके और आपके सिबलिंग में जो डिफरेंसेस आपको देख रही हैं, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ रिपीटेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। उसके बेसिस पे भी हो जाता है, ठीक है। They are thought to have no direct coding function, but they shed light on chromosome structure, dynamics, and evolution. Next point, which is very, very, very important, MCQ alert. Chromosome number 1, जो है, it has most gene, maximum genes 2968, and Y has the least, सबसे कम जो genes है, वो आपके Y chromosome में आते हैं, which is 231. इसीलिए आप देखते हो ना, लड़कियाँ समझदार होती है, लड़के उतने समझदार नहीं होते हैं, क्योंकि जो वाई जीन, वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं उसमें जो जीन्स है वो बहुत ही कम होते हैं। एक्स क्रोमोसोम्स में ज्यादा जीन्स है, वाई क्रोमोसोम्स में कम जीन्स है, वाई क्रोमोसोम में बहुत कम जीन्स है, व्हिच इज 231 जीन्स, 231 जीन्स, है ना, ठीक है। हाँ, तो बॉयज अपने आप को प्रूव करो कि आप भी समझदार हो, क्योंकि आपको नेचर ने वाई क्रोमोसोम में कम जीन रखे हुए हैं। चलो सुपर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फाइंडिंग कहती है, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस। जो सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस है उसको आप एसएनपी कहते हैं। एक ही बेस का डिफरेंस है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस, उसको आप एसएनपी कहते हैं, प्रोनाउंस्ड एज स्निप्स। It occurs in humans. This information promises to revolutionize the process of finding chromosomal locations for disease-associated sequence and to tracing human history. आप human history को trace out कर सकते हैं based upon SNPs। कहता है मैं I'll prove। जस्ट किडिंग बच्चों, जस्ट किडिंग, है ना। तो साइंटिस्ट ने ये देखा भाई 1.4 मिलियन लोकेशंस पे आपके सिंगल बेस डिफरेंस है, व्हिच इज योर एसएनपी, जिसको कि आप सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कह देते हैं, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो आप खुद सोचो क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। नंबर 1 एप्लीकेशन, जब आपने ह्यूमन जीनोम को पूरा सीक्वेंस कर लिया, नंबर 1 ये हो जाती है, यस गर्ल पावर। नंबर 1 ये हो जाता है कि सिंस आपने पूरे जीनोम को सीक्वेंस कर लिया है, आपने एक एक जीन की सीक्वेंस निकालनी है, तो डिजीज के फाइंडिंग में उसको ट्रेस आउट करना बहुत ही ईजी आप बच्चों के लिए हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा हुआ है, ऑल द ट्रांसक्रिप्ट इन अ पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन ऑफ ट्यूमर और हाउ टन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन्स वर्क टुगेदर, ये आप निकाल पाते हो। तो देखो आज के टाइम पे कितने सारे वाइड वेराइटी ऑफ कैंसर को आप ट्रीट कर पाते हो। मेरे नॉन में ही मेरी एक फ्रेंड है जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और वो एकदम स्वस्थ है अभी हाल फिलहाल। पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि कैंसर का ट्रीटमेंट भी आपका फिजिबल होगा। बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हर किसी बीमारी का ट्रीटमेंट हम कर पाते हैं थैंक्स टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारे को समझ डेवलप हो चुकी है, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि कितने जीन्स है, कहाँ पे क्या सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस करके मॉड्यूलेट करके उसके एंटीबायोटिक्स डेवलप करना बहुत ईजी हो गया है, मॉड्यूलेशन करके उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही ईजी हो चुका है। तो मेजर एप्लीकेशन आप ही के फील्ड में है विच इज मेडिकल फील्ड। तो थैंक्स टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एवरीवन। कुछ भी डाउट है मेरे बच्चों तो मुझसे प्लीज प्लीज पूछ लो, अदरवाइज मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देने वाली हूं। कम ऑन एवरीवन, कुछ भी डाउट है। हमने आज की कक्षा में ये सीखा कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है आपका, उसको क्यों हमने शुरुआत करी, क्या साइंटिस्ट का शुरुआत करने से पहले मंशा थी कि हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या गोल्स हैं एचजीपी के, और क्या वो गोल्स प्रूव हो पाए या नहीं हो पाए, जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो इनिशियल स्पेकुलेशन से डिफरेंट थी या नहीं थी, ये हमने जाना। और हमने ये भी समझा कि इनिशियली कितना एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट ही हमें पड़ रहा था, कितने सारी एंटिटीज ने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और क्या फाइंडिंग्स भी रही, किस क्रोमोसोम में जीन्स का नंबर ज्यादा है, किस क्रोमोसोम में जीन्स का नंबर कम है, कौन से ऐसे टोटल नंबर ऑफ जीन्स हमारे पास प्रेजेंट है। यस, ये सारी चीजें हमने एचजीपी के थ्रू जानी। और इसका जो मेन एप्लीकेशन पार्ट है वो ये हो जाता है कि जो भी आपके डिजीज है उसको आप ट्रीट कर पाते हो बड़ा ही सिंपलिस्टिक वे में, आप ट्रीटमेंट के साथ में आप प्रिवेंशन भी कर पाते हो सिंपलिस्टिक वे में। दैट इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ योर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यस एवरीवन, नो डाउट, नो डाउट, सब क्लियर है। तो बच्चों एक होमवर्क क्वेश्चन लाई हूं तुम बच्चों के लिए, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे अभी बिल्कुल मत करना, इसका आंसर मुझको चाहिए कमेंट सेक्शन में। So everyone in the comment section, I need this question का answer based upon today's studies। आप इस question का answer करेंगे, मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आप comments में ही मुझे इसका answer करें। और बाकी सारे बच्चे जो मुझे first time join कर रहे हो, ऐसा ही super amazing content आपको मिलता रहेगा। उसके लिए आपको बहुत ही simple सा एक step करना है, इस channel को subscribe कर लो, bell icon को hit कर दो ताकि आपके पास सारे notifications आते रहे। हमारे telegram channel पे आपको इसके notes दे दिए जाएंगे, तो आप उसको notes से भी पढ़ाई कर सकते हो। जो नए बच्चे आए हैं, सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इसको शेयर करना अपने हर एक स्टेटस पे लगाना है आपको ऑन डेली बेसिस। ऑलराइट एवरीवन, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अच्छे से मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो, हैप्पी हैप्पी रहो। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन।